जिन लोगों को 56 इंच के कपड़े फिट आते थे उनके कपड़े नॉर्मल साइज के हो गए हैं, जो लोग 400 पार करने गए थे वो 240 में निपट गए। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं, एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी करने के बाद बताया सच कि मुसलमान कैसे होते हैं। इस लड़की ने क्या कहा मुसलमानों के बारे में, चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। के सामने सब लोग बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कोई मतलब नहीं है अगर वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। इत्तेफाकन मैं हिंदू घर में पैदा हुई, इत्तेफाकन मैं एक सवर्ण परिवार में पैदा हुई, इत्तेफाकन मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जिस जो खुद पढ़ा लिखा था अंग्रेजी माध्यम में, इत्तेफाकन मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी लिखी हूँ और बोल सकती हूँ, और इत्तेफाकन मैं बॉलीवुड में की फिल्मों में काम कर चुकी हूँ। इसलिए शायद जिन लोगों ने उमर को उन्हीं केसेस में और बाकी साथियों को, मिरन को, अथर को और गुजवा बाकी लोगों को उन्हीं केसेस में अरेस्ट किया, उन्हें लगा कि शायद ये ज्यादा हो जाएगा। आप एक मुसलमान को आतंकवादी बता सकते हो, लेकिन शायद एक हिंदू एक्स नेवल ऑफिसर, टीचर, प्रोफेसर, मदर की बेटी को आतंकवादी बताना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कन्वीनियंट नहीं होगा हमारी मीडिया के लिए। उसमें उमर की एक डेट आने वाली थी बेल की, और उसके पहले ही जो न्यायाधीश थे जिन्होंने सुनना था वो केस, उन्होंने अपने आप को रेक्यूज कर लिया। नहीं समझता कि मैं काबिल हूं कि मैं ये केस सुन सकूं। क्यों क्यों काबिल नहीं हुआ? बड़ी पढ़ाई लिखाई करी होगी आपने जज बनने के लिए, कई सालों से आप आई एम अज्यूमिंग हमारे ही टैक्स के पैसों के तनख्वाह आ रही होगी आपको, हमारे ही टैक्स के पैसों से जो घर बनते हैं सरकारी उनमें आप रह रहे होगे, हमारे ही टैक्स के पैसों से जो पर्स आपको मिले हैं उन पे आपकी जिंदगी कंफर्टेबल है, तो आपको क्यों ये हक है अपने आप को रिक्यूज करने का अपनी जिम्मेदारियों से? क्या ये हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ गद्दारी नहीं है? आप केस पढ़ें, आप अपनी बुक्स देखें, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें, आप जो भी आईपीसी देखें और आप उसके ऊपर डिसाइड करें। इसका आपको वक्त नहीं मिल रहा है? कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि मुझे 20 मिनट दे दीजिए, आपको 20 मिनट नहीं मिल रहे? माननीय प्रधानमंत्री के साथ आपको गणेश पूजा करने का बहुत वक्त मिल गया था, पर अपना काम करने के लिए 20 मिनट नहीं मिलते हमारे न्यायाधीशों को? आपको किस चीज का डर है? आम नागरिक को तो जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है, मुसलमान तो कहीं पे भी पिट जाते हैं बेचारे इस देश में, दलित कहीं पे भी पिट जाते हैं इस देश में, हम लोगों को भी डर लग सकता है कि काम नहीं मिलेगा, कॉमेडी के शोज नहीं मिलेंगे, फिल्में बंद हो जाएंगी, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे उनको अलग अलग किस्म के डर लगते हैं। आपको क्या डर लगता है? आपके पास तो पूरा तंत्र है, आपके पास तो सारी सरकारी तंत्र है। जब तक आप इन बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हो, आप 60 साल 50 साल के ऊपर होते होंगे, आपके तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, अच्छी महंगी महंगी कॉलेजेस में आप उन्हें पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी सेटल हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, तो इस बुढ़ापे में क्या डर है अब आपको? अब क्या लालच है आपके अंदर? क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या जरूरत है? गवर्नर पोस्ट चाहिए, राज्यसभा जाना है, इतनी आपके अंदर लालच है कि आप महज आपका काम आपसे करने को हम मांग रहे हैं वो आपसे नहीं हो रहा है? मानती कि ये किसी भी प्रकार का न्याय है, न्याय करने में होता है, न्याय बोलने में नहीं होता, न्याय भाषणबाजी नहीं होती, न्याय एक्शन होता है। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो जो खून के धब्बे हैं वो हमारी न्याय व्यवस्था के दामन पर भी लगेंगे, वो छींटे आप पर भी आएंगी। इसलिए इस मंच से मेरी अपील है, बहुत ज्यादा हम नहीं मांग रहे, अपना काम करिए। दोस्तों, 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। उमर और मीरान, अथर, खालिद साहब, गुशफा और शर्जील और अन्य लोग 3, 4, 5 साल पहले गिरफ्तार हुए थे, और ऐसा लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था भूल गई है कि कितने सालों से ये लोग जेल में बिना बेल के, बिना ट्रायल शुरू हुए पड़े ही हुए हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारी न्याय व्यवस्था को याद दिलाना चाहती हूँ कि 4 साल कितना लंबा वक्त होता है। सितंबर 2020 में उमर गिरफ्तार हुए थे, तब से कोविड के 3 वेव आकर चले गए हैं, 3-4 अलग वेरिएंट निकल के आ गए हैं इस बीमारी के, उनके इलाज भी लगभग आ गए हैं, पता चल गए हैं। 4 साल में मैं अपने फहाद, जो मेरे अब पति हैं, उनसे मिली, दोस्त थी पहले, जब उमर गिरफ्तार हुए हम दोस्त थे, जब अथर गिरफ्तार हुए हम दोस्त थे, महज दोस्त थे। उन 4 साल में हमारी दोस्ती पक्की हुई, ये लोग तभी भी जेल में थे, हमारी दोस्ती और पक्की हुई, ये तभी भी जेल में पड़े रहे, फिर हमें मोहब्बत हो गई,
ये तभी भी जेल में थे, इनको बेल की सुनवाई भी नहीं हुई थी। फिर हम एक दूसरे के परिवार से मिल लिए, तभी भी जेल में थे, परिवार मान भी गए, हिंदू मुसलमान शादी है, परिवार मान भी गए, न्याय व्यवस्था अभी तक नहीं मानी हमारी। हमने शादी कर ली, हमारी बच्ची हो गई, हमारी बच्ची अब 1 साल की हो गई। 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 4 साल में और भी चीजें हुई, जिस गोदी मीडिया इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेटिव मीडिया की बात नहीं कर रही, आप लोग सच्चे दिल से अपना काम करते हैं, हम उसके आभारी हैं। 4 साल में जिस गोदी मीडिया ने उमर के खिलाफ, इन सब लोगों के खिलाफ इतना विट्रियोलिक, इतना जहरीला कैंपेन चलाया था, वो गोदी मीडिया नंगी हो गई इन 4 साल में। उन्होंने उन 4 साल में और भी अलग अलग तरह के विक्टिम ढूंढे जिनके ऊपर मीडिया ट्रायल चलाया जा सकता हो। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।